हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीटी साइंस गुरुजी। क्लास 12 सीबीएसई अदर स्टेट ऑफ बोर्ड एनसीईआरटी बेस्ड जो चैप्टर होंगे हमारे पास, एनसीईआरटी का जो हमारे पास सिलेबस है क्लास 12 का, उसका मैं कंप्लीट आपको समझाऊंगा। चैप्टर वाइज चलेंगे, बिल्कुल जैसे कि अब हमारे पास केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हमारे पास पहले फिजिकल केमिस्ट्री होती है, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसलिए हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री का जो क्लास 12 की फिजिकल केमिस्ट्री है उसका जो पहला चैप्टर हमारे पास सॉल्यूशन है, फिर इसके बाद कंटिन्यू चैप्टर वाइज चलते रहेंगे। तो इस चैनल के ऊपर आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर वाइज जितने भी होंगे सारे के सारे कराए जाएंगे। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का पहला सॉल्यूशन, क्लास 12 का है। इंट्रोडक्शन से बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और एंड हाई तक जाएंगे। नेक्स्ट, अब हमारे पास है सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। हमारे पास चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन की जो नॉर्मल डेफिनेशन होती है वो क्या है, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सर। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सर है। अब मिक्सर दो तरीके के होते हैं, एक हिट्रोजीनियस मिक्सर होता है, एक होमोजीनियस मिक्सर होता है। तो सॉल्यूशन कैसा है, एक होमोजीनियस मिक्सर है ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, जिसमें दो या दो से ज्यादा ऐसे केमिकल सब्सटेंस हो जो नॉन रिएक्टिंग हो, वो उन सभी को मिला के हमारे पास क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। अब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दो पार्ट में होता है, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो हमारे पास जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दो ऐसे हैं जिनको अगर हम ऐड कर दे तब हमारे पास क्या मिलता है, एक सॉल्यूशन मिलता है। बेसिकली बिल्कुल सीधी लैंग्वेज में बोलें तो सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जो सॉल्यूशन में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती है, सॉल्यूट वो अमाउंट है जो सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है। डेफिनेशन से इसको समझते हैं, सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट लार्ज अमाउंट बाय मास देन द अदर कंपोनेंट सॉल्यूट। हम समझाता हूँ इसको मैं, है क्या सॉल्वेंट जो हमारे पास सॉल्यूशन में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है बाय मास, और जो हमारे पास सॉल्यूट होता है वो अमाउंट में कम प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में। तो हमारे पास, दोबारा बताता हूँ, सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है और सॉल्यूट हमारे पास लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब देखो सॉल्यूशन होता है क्या है, सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, एक एक्वस सॉल्यूशन, एक नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस सॉल्यूशन नाम से ही पता लग रहा होगा, एक्वा, एक्वा का मतलब नॉर्मली वाटर होता है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट एज अ वाटर हो, तो हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन वाटर जिसमें कि वाटर हमारे पास एज अ सॉल्वेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। या फिर ऐसे कह दे जिसमें कि जो अमाउंट है सॉल्यूशन में वो वाटर की ज्यादा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। और एक दूसरा नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन वो जिसमें वाटर सॉल्वेंट की तरह प्रेजेंट ना हो, या फिर हम ये कहें कि वाटर उसमें एज अ सॉल्यूट प्रेजेंट हो। तो वाटर इज नॉट द सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट नहीं हो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन के लिए। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन तीन टाइप्स के होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशंस। तो अब हम वो टाइप सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं कैसे होता है। अब देखो हमारे पास जो, अगर मैं कहूं कि सॉलिड, तो हमारे पास सॉल्यूट है। पहले मैंने देखो बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, सॉल्यूट इस रो में है, सॉल्वेंट ये है, हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऐसे हैं, फिर इन सभी के एग्जाम्पल समझा रखे हैं। तो हम, अगर मैं कहूं कि सॉल्यूट अगर हमारे पास सॉलिड हो और सॉल्वेंट हमारे पास सॉलिड हो, तो क्या हो जाएगा, सॉलिड इन सॉलिड। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अलॉयज। आपको पता है कि अलॉय क्या होता है, वन और मोर देन वन मेटल का जो कंप्लीट एक मिक्सर कहलाता है, वो हमारे पास एक अलॉय अलॉय है। तो सॉलिड इन सॉलिड, तो क्या कहलाएगा, वो अलॉयज। तो ऐसा टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, सॉलिड इन सॉलिड। लेकिन सॉल्वेंट हमारे पास सॉलिड हो और सॉल्यूट हमारे पास लिक्विड हो, तो अमाउंट में कौन ज्यादा होता है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारे पास सॉलिड है लेकिन सॉल्यूट कैसा है, लिक्विड है, तो कैसा कहलाएगा, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर लिक्विड, तो क्या कहलाएगा, हाइड्रेटेड
साल्ट। नेक्स्ट है सोल्यूट, अगर हमारे पास गैस हो, सोलवेंट क्या हो, सोलिड हो, तो सोलवेंट ज्यादा होता है तो इसमें भी सोलिड हमारे अमाउंट में ज्यादा है तो क्या कहलाएगा, गैस इन सोलिड, क्योंकि हमारे पास जो सोलवेंट है इन तीनों में क्या है, सोलिड है, तो अगर गैस है तो गैस इन सोलिड क्या कहलाएगा, एच टू इन पी डी। आप प्लस वन में देखा होगा ऐसी काफी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन है एच टू विद पी डी या एच टू इन पी डी, तो ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है इसका वो यूज होता है इसका। नेक्स्ट हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशंस हो अगर ऐसे हमारे पास, तो अगर हमारे पास लिक्विड, अब ये कैसा केस आ गया कि जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड हो, तो अगर सॉल्यूट हमारे पास क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड और सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड है, तो सॉलिड इन लिक्विड। अब ये उल्टा हो गया, क्या क्या हो गया कि हमारे पास जो अमाउंट में क्या ज्यादा हो गया, सॉलिड हो गया, और अमाउंट में क्या कम है, सॉलिड है, तो सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर सॉलिड, तो क्या कहलाएगा वो, ऐसे एग्जांपल साल्ट, साल्ट के काफी ऐसे एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास अगर लिक्विड हो, लिक्विड इन लिक्विड हो, तो क्या कहलाएगा वो, मिथेनॉल इन वाटर, क्योंकि जो भी एल्कोहलिक कंपाउंड होते हैं सभी नॉर्मली लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो लिक्विड इन लिक्विड, मिथेनॉल इन वाटर। नेक्स्ट हमारे पास गैस, गैस अगर हमारे पास एज अ सोल्यूट हो और सोलवेंट हमारे पास लिक्विड, तो क्या कहलाएगा, गैस इन सोलिड, तो ओ टू इन वॉटर, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, गैस हमारे पास क्या हो गया, ओ टू हो गई और लिक्विड क्या हो गया, वाटर हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें गैसियस सॉल्यूशन की, तो हमारे पास जो गैसियस सॉल्यूशन है उसमें क्या होगा, हमारे पास जो सॉल्वेंट होंगे वो सारे क्या हो गया, गैस होगा। अब सॉल्यूट की अगर हम बात करें, सॉलिड हमारे पास एज ए सॉल्यूट है, सॉल्वेंट हमारे पास गैस है, तो क्या कहलाएगा, सॉलिड इन गैस, कैम्फर इन N2 गैसेस, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट है लिक्विड, लिक्विड तो हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है, गैस हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है, तो क्या कहलाएगा, लिक्विड इन गैस, ह्यूमिडिटी, आपने जब बारिश का मौसम होता है उसमें ऐसा वो आपने महसूस किया होगा कि हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट हमारे पास गैस, लेकिन उसमें कुछ मात्रा कैसी आ जाती है, वाटर की आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं, जिसमें कि लिक्विड इन गैस। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास दोनों ही अगर हमारे पास गैस हो, गैस इन गैस, तो उसको हम नॉर्मली क्या बोल देते हैं, एयर, एयर की फॉर्म बोल देते हैं, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी लिक्विड आ जाए, सॉल्यूट अगर हमारे पास लिक्विड है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ऐसा हम हर डेली लाइफ में काफी बार ऐसा आपने ऑब्जर्व किया होगा या फिर आपने ऐसा महसूस किया होगा, तो एयर का फॉर्म हो जाएगा गैस इनटू गैस। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बताएं, और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा 1 से 2 दिन में। थैंक यू।